राहुल गांधी पहले तू माफी मांग ले देश की जनता से, तूने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तेरे बापों ने पाकिस्तान बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे पे साइन तेरे बापों ने ना करे, और बांग्लादेश तेरे बापों ने बनाया, और भारत के अंदर तू लोगों को बेवकूफ बना रहा भारत जोड़ो यात्रा करके, किसान की आड़ में खालिस्तानी झंडा चला रहे हो, और इसके पीछे पूरा का पूरा दिल्ली के जो खिलजीवाल है ना, जो केजरीवाल खिलजीवाल निकल जाता है, जो खिलजीवाल जो कुछ दिनों बाद जेल जाने वाला है, उसका एजेंडा चल रहा है कि मेयर पे से ध्यान हट करके ये किसानों पे चले जाए। बेटा प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले भी बोला था, शपथ लेने लेते साथ भी बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब कुछ वापसी लूंगा। ये किसान के सपोर्ट में बात कर रहा है, किसान को कूरो का जा रहा है, ये दिल्ली को बंधक करवाना चाह रहा है, ये दिल्ली को बंधक करवाना चाह रहा है, जैसे पहले बंधक करवा देता था, 7 बंदों की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई थी, ये वो काम करवाना चाह रहा है। मतलब कि वो उन्हें किसान बता रहा है जो खालिस्तानी एजेंडा चला रहे, भिंडरा वाले की सर भिंडरा वाले की टी शर्ट पहन करके आ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं किसान है जो यूं कह रहे साडा पंजाब चाहिए, आजाद पंजाब चाहिए, आजाद पंजाब साडा पंजाब के समझ रहे हैं ये लोग, जैसे उनको कश्मीर चाहिए था। एमएसपी लागू कर दे सरकार, क्यों नहीं कर भैया 145 रुपए किलो आटा खरीदने के लिए तुम्हारे बाप के बाप भी तैयार ना होंगे, फिर पता क्या बोलेगा, महंगाई होगी मोदी जी, महंगाई होगी अनाज बांट दो, ये फिर एक कुत्ते के तरह भोगेंगे ये लोग, ये बोई जयचंद भाई साहब। एमएसपी का मतलब क्या होता है, उनकी उनकी गुंडागर्दी है, वो कह रहे कि मैं एमआई का फोन ना आपको, मैं एमआई का फोन एप्पल के रेट में बेचना चाहता हूँ, वो वाली बात है। अब सरकार एमआई का फोन एप्पल में खरीदेगी तो भैया तुम्हें कितने का बेचेगी, एक अनाज को जिसका 18 रुपए का पेल, कांग्रेस के टाइम पे दो फसलों पे भाई, मैं बना करके बात नहीं कह रहा हूँ कोई, मैं दो फसलों पे एमएसपी मिल रही थी, आज की डेट में 22 से 23 फसलों पे एमएसपी, ये बीजेपी सरकार है, ये मुमकिन बीजेपी मर गए, एमएसपी दे रही है, और कहाँ गए, और भी तो हैं यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, और भी बाहर राजस्थान के, और सारे किसान के कुं अपनी किसानी चुपचाप से बैठे कर रहे हैं। पहले वो तो आ जाए दिल्ली में, फिर बाकी भी आ जाएंगे। अरे यार भाई साहब सुनो, कोई नहीं आने वाला, वो डकैत है ना, वो जिसे बोले डकैत, वाक्य में डकैत, ये 379 बी लगनी चाहिए उस पर, वो वाक्य में डकैत की भी स्टेटमेंट नहीं आ रही है, बस इतना ही बोल रहा कि अन्याय नहीं होना चाहिए, अब वो भी उसका ही मुंह बंद हो गया, वो खालिस्तानी पहुंचे हुए सारे के सारे, वो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी कह रहे मेरी सरकार बनेगी तो एमएसपी लागू होगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी जो, तो भैया फिर महंगाई का भाई ठीक है भाई, उसकी सरकार बनवाओ, मैं तो कह रहा राहुल गांधी की सरकार बनवाओ, और उसके बाद 145 रुपए किलो आटा खरीदने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग, फिर क्या, फिर बीजेपी वाले ना आएंगे भाई, और ना ही फिर कोई आम आदमी आकर के बोलेगा को क्या करा तुमने, फिर खरीदने के लिए वाक्य में तैयार ही हो जाना, फिर इस देश को ना यूएस अमेरिका जैसा हो रहा ना कि आज पकाया एक महीने तक खाया, वो हालात इस देश में कर देंगे। भैया एक बात बताओ, क्वालिटी के हिसाब से तो तुम्हारे अनाज के, तुमने जो जिस जो फसल उगाई है उस फसल की क्या क्वालिटी है, उसी का तो, अब वो टूटा हुआ चावल ये क्या बासमती के रेट में बेचेंगे 100 रुपये किलो है, कोई ज़बरदस्ती कोई गुंडागर्दी है, एमएसपी केवल ऑफ केवल गुंडागर्दी हो रही है। इस टाइम 22 से 23 फसल पे एमएसपी मिल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ये सारे के सारे खालिस्तानी हैं जो खालिस्तान की किसान की आड़ में खालिस्तानी झंडा चला रहे हो, और इसके पीछे पूरा का पूरा दिल्ली के जो खिलजीवाल है ना, जो केजरीवाल खिलजीवाल निकल जाता है, जो खिलजीवाल जो कुछ दिनों बाद जेल जाने वाला है, उसका एजेंडा चल रहा है कि मेयर पे से ध्यान हट करके ये किसानों पे चले जाए और मैं बच जाऊँ, और ये सोच रहा कि ये कोई डील भी करेगा मोदी जी से कि मैं किसान आंदोलन ये पंजाब से ख़त्म करवा दूंगा, पंजाब की सीमा से मेरे संग डील कर लो, रेट हटा दो, डील करना चाह रहा है। बेटा प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले भी बोला था, शपथ लेने लेते साथ भी बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब कुछ वापसी लूंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी थे सबको उधेड़ने में लग रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने वो देश के खिलाफ है, देश के अन्नदाता के खिलाफ है। अच्छा राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी पहले तू माफी मांग ले देश की जनता से, तूने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तेरे बापों ने पाकिस्तान बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे पे साइन तेरे बापों ने ना करे, और बांग्लादेश तेरे बापों ने बनाया, और भारत के अंदर तू लोगों को बेवकूफ बना रहा भारत जोड़ो यात्रा करके, तू पहले देश की जनता से माफी मांग ले, माइक यहाँ से टूटा तो यहीं एलपी तो गिरेगा, जाता ना बलूचिस्तान जाता, पाकिस्तान जाता, बांग्लादेश जाता, शिमला से घुस करके आता, उनको जोड़ करके लाता, उनको बेवकूफ बना रहा, कह रहा न्याय यात्रा निकालूंगा, तूने इस देश को गजबाहिंद करवा दिया है, 35 लागू तुम लोगों ने करी, धारा 370 लागू तुमने करी, वक्फ बोर्ड तुमने लागू करा, और सरिया पर्सन लॉ तुमने लागू करा, देश को गजवाए हिंद तुमने करा, तुम न्याय वो दिलवाओ ना, ये सब चीजें वापसी करो ना तुम लोग। कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, देश की जनता की सोचती है। भैया सुनो हमें यार, वो राहुल गांधी प्रॉपर बयान को न्याय दिला रहा है, वो न्याय किसको दिला रहा है, जेएनयू वाले उसके साथ डोल रहे हैं, कन्हैया वो कहता है भारत तेरे टुकड़ोएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह है, वो उसके साथ डोल रहा है, किसको न्याय दिलाना चाह रहा है ये भारत का टुकड़ा जो करना था ना इनको, एक और ये उसमें ना असफल हो चुके हैं, मतलब कि फेल हो चुके हैं, ये कह रहा है कैसे ना कैसे करके, ये अजीब अजीब बच्चों वाले टॉपिक नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल 6 साल के खेलते हैं कि भारत जोड़ो न्याय दिलाओ, ये वो बच्चों वाले खेल खेल रहा है। ब्रांड अम्बेसडर है भाजपा का, मोदी जी का ब्रांड अम्बेसडर राहुल गांधी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी फिरोज खान के औलाद हैं,
ये खुद बड़ा मजबूर है, ये चाहता है कि कैसे ना कैसे करके मैं इस परिवार से, पूरा परिवार जो खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहता है, खुद ही पार्षद बनना चाहता है, खुद ही सरपंच बनना चाहता है, खुद ही प्रधान बनना चाहता है, सब कुछ खुद है, खुद की अपनी एक पर्सनल दुकान चलाना चाहते हैं ये लोग, गजवाए हिंद की। राहुल गांधी इनसे पीछा छुड़वा करके ना इटली जाना चाहता है, भाई साहब उसे इटली जाने दो, और कहीं क्लब वलब में वो नाचना और स्विमिंग पूल में नंगे वो चड्डी से पहन के अपनी माँ के साथ नाचे, वीडियो है ना, फोटो भी देखी लोगों ने, अपनी माँ के साथ इतने इतने कपड़े पहन करके नहा रहा है स्विमिंग पूल में, तो इसको जाने दो इटली। ये राहुल गांधी यहाँ रुकना ही नहीं चाहता, इसको जबरदस्ती इसके माँ का, मतलब इसकी माँ डांटती है कि सपना तेरा है कि मेरा सपना है कि तू एक बार प्रधानमंत्री बने देश में, ये इतना नहीं पूरा होगा, कैसे सपना हो जाएगा, मैं निकम्मा, मेरी काशी विश्वनाथ पहुंच गए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले लिया, वो अब पहुंच गए ना, अब हिंदू तो थोड़ा सा जाग गया तो पहुंच गया, थोड़ा और जाग गया तो कुछ और पहुंच जाएगा, कुछ और जाग जाएगा तो ये मूर्ति भगवान वहीं पर ही मिलेगा, बाबा बन जाएगा ये, पहले से जनेऊ पहनते आ रहे, दिखाते कोई जनेऊ नहीं भाई साहब, जिस बंदे को ये नहीं पता कि आराध्य भोले शंकर पे जल ऐसे चढ़ाना है कि ऐसे चढ़ाना है, जिसको ये नहीं पता है कि वो ऐसे चढ़ाना है कि ऐसे चढ़ाना है, फूल चढ़ाने कैसे, फूलों को ऐसे फेंक रहा है, इन्होंने केवल चादरें चढ़ाई है कब्रों पे, ये कब्रों पे चादर चढ़ाना जानते हैं, ऐसे पकड़ के कब्रों पे चादर, जिस चादर इनको पता ही नहीं कब्र के अंदर है क्या, इनको ये पता है, इनको ये पता है कि ये मजार यहाँ से टूटी है ना, तो अब ये फ्लाई ओवर बन रहा है, तो इस फ्लाई ओवर के बनवानी है ऊपर, दिल्ली के अंदर दो मजार थी ना फ्लाई ओवर के ऊपर, तो ये कांग्रेस ने बनवाई थी कि यहाँ से टूटी है फ्लाई ओवर बन जाने में, अब यहाँ बना दो पुल के ऊपर, ये वो लोग है, रेलवे स्टेशन पे मजार बन रही है पटरी के किनारे पे, सेकुलरिज्म दिखाते, सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राहुल गांधी, तो हम कब कह रहे हैं भाई साहब सेकुलरिज्म, पहली बात तो अब देश सनातनी जाग रहा है ना, तो सनातनी तो अब हिंदू राष्ट्र में जी रहा है, ये हमारे लिए हिंदू राष्ट्र कोई सेकुलर नहीं है, सेकुलर देश है ही नहीं भाई, हम नहीं जी रहे, थोड़ा सा और एक बार 2024 के बाद 400 प्लस आने तो उसके बाद दिखाते हैं इनकी तानाशाही, ये इनकी इटली के फ्लाइट खड़ी हुई मिलेगी यहीं पर ही एयरपोर्टों पे, ये भागते हुए नजर आएंगे देश के जयचंद, हिंदू राष्ट्र का एक गांव नहीं बना पाए पूरे हिंदू राष्ट्र, पूरा भारत हिंदू राष्ट्र, लो ले मेरे पर पर्चा दर्ज कर लेना, मैं भारत के अंदर जी रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र है मेरा भारत, जिस दिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होती है जैसी भगवा लगा था ना ये भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, जाओ कर लो उखाड़ लो मेरा, लो मैं छोटा सा अदना सा आदमी उखाड़ लो, किसकी किसने माँ का दूध भी उखाड़ लो, ले जज आईएएस आईपीएस कमिश्नर डीसीपी उखाड़ लो, मेरे लिए हिंदू राष्ट्र अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे ये पता है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब भी बोल के चले गए थे कि ये लोग कभी सगे नहीं होंगे, ये मुगल और अंग्रेज और ये कांग्रेस, ये तीनों एक है, पता लगता था ना, हाथ है हाथ है हाथ है, इन सब का हाथ है बम से लेकर के देश को गजवाए हिंद करने में, ये वो हाथ। किसान आंदोलन पे क्या सोचते हैं? को आश्वासन दिया था 3 साल पहले MSP के बारे में, तभी तो दोबारा आए, वो कहाँ लागू हुआ जो किसान चाहते थे, अगर उनकी मांगे पूरी होती चाहते थे, अरे वो अपने अपना जो पैदा करते हैं उसका एक समर्थन मूल्य सही मांग रहे थे, वो ठीक ठाक MSP की मांग कर रहे थे, 3 साल हो गए सरकार ने नहीं लागू। अरे आपको पता है ना, थोड़ा सा प्याज महंगा हो जाता है, थोड़ा सा टमाटर महंगा हो जाता है, यही जो सपोर्टर हैं वही हल्ला करते हैं, प्याज इतना महंगा होगा टमाटर, अरे प्याज महंगा होगा तो किसान को मिलेगा पैसा, टमाटर भी मिलेगा तो उनको, एक मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, लेकिन एक दोनों की तरफ ना, जो जो उपभोक्ता है उसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, एक ही हम कि हम भी किसान से हैं, फार्मर हमें भी बैकिंग है, अब हम 100 रुपया रख देंगे तो यूजर कौन होगा, है यूजर भी तो होना चाहिए अफोर्डेबल, अभी आप चावल कोटे से मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चावल गवर्नमेंट 41 रुपये कुछ पैसे में खरीद रही है, आप एक चीज़ें गेहूँ आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट पर हेड।